नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी लोग का स्पो कॉम्बैट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं UCL यानी कि UEFA चैम्पियंस लीग 2021 के बारे में। दोस्तों, UCL चैम्पियंस लीग की जो डेट्स है, जो यहाँ पे ग्रुप्स पार्ट दिया गया है, वो बिल्कुल आ चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा और साथ में ही कुछ नए रूल्स जो कि COVID-19 के चलते फॉलो किए जाएंगे इस बार UEFA चैम्पियंस लीग के, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में ही एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है आप लोग सभी लोग के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद, पूरी देखने के बाद, आप लोग को तो सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्राइब करना है स्पो कॉम्बैट को, और उसके बाद अपना नाम देके नीचे कमेंट करना है कि आपके हिसाब से कौन सी टीम इस बार UEFA चैम्पियंस लीग यानी कि UCL 2021 जीतने जा रही है। और अगर जिस दिन ये जो टूर्नामेंट है वो ख़त्म होता है और आपका प्रिडिक्शन सही होता है, तो मैं चूज़ करूँगा टॉप थ्री कमेंट्स को रैंडमली मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है और उसमें अगर आपका नाम आता है तो उन तीन विनर्स को बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइजेस मिलेंगे। ये पहला गिव अवे होगा स्पो कॉम्बैट पे, तो प्लीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करना। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सब्सक्राइब करने चाहिए यहाँ पे स्पो कॉम्बैट को, और साथ में अपने नाम के साथ कमेंट करना है नीचे कि आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतने वाली है UEFA चैम्पियंस लीग इस बार। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं UEFA चैम्पियंस लीग के बारे में। तो ये जो यहाँ पे ग्रुप स्टेज चलेगा UEFA चैम्पियंस लीग का, वो होगा टॉप 32 टीम्स के बीच में, यानी कि जिसको हम कहते हैं राउंड 32 में यहाँ पे 8 ग्रुप्स हैं, जिसमें हर एक ग्रुप में यहाँ पे 4 टीम्स हैं। और कैसे कैसे डिवाइड किया गया है टीम्स को, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और साथ में ही उससे पहले कुछ आपको टेंटेटिव डेट्स मैं बता देता हूँ कि कब कौन सा स्टेज खेला जाने वाला है इस बार UEFA चैम्पियंस लीग में। दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होगा 28 अक्टूबर यानी कि 20 अक्टूबर 2020 को, और ये जो टूर्नामेंट होगा वो राउंड 32 स्टेज से स्टार्ट होगा 20 अक्टूबर को। उसके बाद राउंड 16 खेला जाएगा, जिसको हम लोग प्री क्वार्टर फाइनल्स भी कहते हैं, वो स्टार्ट होगा यहाँ पे 14 दिसंबर 2020 को। और उसके बाद खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल्स, जो स्टार्ट होगा 19 मार्च 2021 को। अभी राउंड 4 के जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो नहीं आए हैं, यानी कि सेमीफाइनल्स के यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट्स हैं कब से स्टार्ट होने वाले हैं वो नहीं आए हैं, लेकिन 29 मई 2021 को इस्तांबुल में UEFA चैम्पियंस लीग 2021 का फाइनल खेले जाने वाला है। तो ये जो है यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ नए बदलाव किए गए हैं COVID-19 के चलते UEFA चैम्पियंस लीग के रूल में, उनके बारे में। सबसे पहले दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट होगा मोस्ट प्रोबेबली, पहले क्या होता था कि जैसे कि अगर दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है तो एक मैच होता था एक टीम के होम पे और दूसरा मैच जो होता था वो होता था दूसरी टीम की होम पे। तो इस बार मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि मैच जो होगा वो न्यूट्रल प्लेस पे होगा, यानी कि कहीं भी मैच हो सकता है। और अराउंड 90-95% चांसेस हैं कि यहाँ पे ऑडियंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई टीम खेलने से रिफ्यूज़ करती है तो माना जाएगा कि उस टीम ने उस मैच को फॉरफिट किया है और सामने वाली टीम को विनिंग पॉइंट्स यहाँ पे अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। और अगर दोनों टीम्स जिनको मैचेस खेलना है, अगर दोनों यहाँ पे पीछे हटती हैं तो दोनों को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा टूर्नामेंट से। तो ये बहुत ही कड़ा रूल है इस बार। और उसके बाद अगर किसी टीम का प्लेयर या कोई सदस्य, टेक्निकल स्टाफ, कोच या कुछ भी, अगर पॉजिटिव पाया जाता है और अगर उसके चलते वो टीम यहाँ पे खेल नहीं पाती है UEFA चैम्पियंस लीग के किसी मैच में, तो उस टीम को भी माना जाएगा कि उसने यहाँ पे मैच को फॉरफिट किया है और सामने वाली टीम को यहाँ पे विनिंग पॉइंट्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। और उसके बाद कुछ और न्यू रूल्स एक सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पे रिलेटेड है कि यहाँ पे मैक्सिमम 5 सब्स्टिट्यूशन अलाउड रहेंगे फर्स्ट 90 मिनट में, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम होता है तो उसमें छठा सब्स्टिट्यूशन अलाउड रहेगा, यानी कि 6th सब्स्टिट्यूशन अलाउड रहेगा एक्स्ट्रा टाइम में। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 सब्स्टिट्यूशंस आप कर सकते हैं अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। दोस्तों, यहाँ पे टोटल 32 टीम्स हैं जिनको यहाँ पे 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ए के बारे में। ग्रुप ए में 4 टीमें हैं,
जो कि बायर्न म्यूनिख, उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड, उसके बाद रेड बुल साल्ज़बर्ग, और जो चौथी और आखिरी टीम है वो है लोकोमोटिव मॉस्को। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप बी में। ग्रुप बी में यहाँ पे चार टीमें हैं, रियल मैड्रिड, शख्तर डोनेस्क, उसके बाद इंटर मिलान, और आखिरी टीम है बोरुशिया। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी में भी यहाँ पे चार टीमें हैं हर ग्रुप की तरह, पोर्टो, मैनचेस्टर सिटी, ओलंपियाकोस और मार्शेली। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में है लिवरपूल, एजैक्स, एटलांटा, मिडिल वेलैंड। अब हम बात करते हैं ग्रुप ई के बारे में। ग्रुप ई में है सेविया, चेल्सी, रस्नोदा और उसके बाद आखिरी में रेनस। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रुप एफ के बारे में। ग्रुप एफ में सबसे पहली टीम है यहाँ पे जेनिट सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद बोरुशिया डॉर्टमंड, फिर तीसरी नंबर पे है लाजियो और आखिरी टीम है यहाँ पे क्लब ब्रज। यहाँ पे दोस्तों सबसे मज़ेदार ग्रुप है वो है ग्रुप जी, जिसमें यहाँ पे जुवेंटस, बार्सिलोना, डायनामो, वाइप और उसके बाद फेरेंस क्रावोस। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोनंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी यहाँ पे बात है ग्रुप जी में वो है जुवेंटस और बार्सिलोना का एक यहाँ पे ग्रुप में होना, जो कि यहाँ पे राइवलरी पैदा करेगा रोनाल्डो और मेसी के बीच में। हम यहाँ पे दो बार टकराते हुए देखेंगे कम से कम यूसीएल में रोनाल्डो और मेसी को, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप एच में। ग्रुप एच में भी यहाँ पे अच्छी अच्छी टीमें हैं। सबसे पहली टीम तो यहाँ पे पीएसजी यानी कि पेरिस सन जर्मन, और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड, तीसरी नंबर पे है आरबी लिप्जिग और उसके बाद इस्तानबुल बेसिक्सिर। यहाँ पे दोस्तों प्रोनंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हुई होगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों यही ग्रुप्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी टीम इस बार यहाँ पे यूएफए चैंपियंस लीग जीतने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों लोगों के साथ, और आगे आके मैं क्या वीडियो बनाऊँ वो भी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ में यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए कॉन्टेस्ट में और सब्सक्राइब करिए उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे स्पोकॉम्बैट को, और अपने हिसाब से कौन सी टीम जीतने वाली है वो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो वीडियो करते हैं एंड, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक रहिए एनर्जेटिक, देखते रहिए फुटबॉल और लगे रहिए अपने कामों में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द।